हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर नेम पाइथन फंडामेंटल्स। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आइडेंटिफायर्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और इनवैलिड क्या होते हैं, मतलब जो आइडेंटिफायर मैंने आपको बताया था उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, कौन से सही होते कौन से गलत होते हैं, कैसे आप लोग कोई चीज गलत डिक्लेयर करेंगे या कोई वैलिड, मतलब मेरे कहने का मतलब है वैलिड आइडेंटिफायर हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, उसमें क्या गलतियां होंगी जो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है, हमने बताया आइडेंटिफायर्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसे हम वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। देखो जो वेरिएबल्स है, ठीक है, वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट हम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, कुछ रूल्स डिफाइन थे वो आपको हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए। फर्स्ट क्या रूल था, हमने बताया था कोई भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे आप तो वो स्टार्टिंग जो कैरेक्टर होगा वो नंबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे आपने मान लो राहुल लिखा, ठीक है, अगर आप राहुल ही लिखना चाहते राहुल इक्वल 10 दिया, तो ये जो राहुल लिखा हुआ है ये क्या है, आइडेंटिफायर है और इक्वल 10, मतलब ये है कि जो 10 है वो राहुल के अंदर असाइन है, मतलब 10 जो है वो राहुल में स्टोर है, इसने रखा हुआ है क्या 10, ठीक है। जो ये राहुल है वो क्या वेरिएबल, क्या है वेरिएबल कह सकते हैं आप या आइडेंटिफायर कह सकते हैं, आपको पता है कि वेरिएबल ही इसके अंदर आता है आइडेंटिफायर के अंदर, तो वेरिएबल है, ठीक है। तुमने दिया राहुल इक्वल टू 10, अगर आप राहुल 1 दे सकते हैं तब भी सही है, ठीक है। अगर इसकी जगह आपने दिया 1 राहुल, क्या दिया 1 राहुल, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनवैलिड, तो यहां पे एरर शो करेगा। क्या एरर है, आपकी एरर आएगी क्योंकि आपने स्टार्टिंग जो लेटर है कैसा लिखा, नंबर लिखा, डिजिट लिखा, इसलिए क्या ये गलत है और ये सही है, समझ आई चीज है। तो वैलिड में कुछ बता देता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए जैसे हमने लिखा यहां पे माई फाइल, ठीक है, लिख सकते माई फाइल वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। अगर हमने लिखा माई फाइल, ये भी वैलिड है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये स्मॉल ये कैपिटल है, आप सोचेंगे इन्होंने देखी है माई फाइल ये भी लिखा माई फाइल ये भी लिखा, लेकिन बेटा ये दोनों डिफरेंट है। उस रूल्स में हमने बताया था कि अपर एंड लोअर केस आप ट्रीटली डिफरेंटली, तो ट्रीट कैसे करें, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीट करेंगे, मतलब ये स्मॉल है ये कैपिटल है, दोनों अलग है, ठीक है। आपके आगे जो आपके सिलेबस में आगे भी है कि स्मॉल की वैल्यू क्या होती है और कैपिटल की वैल्यू क्या होती है, तो इसीलिए क्योंकि सबकी अलग अलग वैल्यू होती है। अब जैसे कैपिटल और स्मॉल ए है, इसकी वैल्यू होती है 65, इसकी होती है 97, अब बताइए कितना डिफरेंस है दोनों में, तभी दोनों ये अलग होते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या अलग है डिफरेंट है, समझ में आया चीज। तो ये वेरिएबल है ये वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद जैसे लिखते हम लोग ए टू जेड, ए टू जेड ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर यही चीज हम यहां पे लिखें ए टू जेड, अगर आपने वैसे नॉर्मल क्या लिखे ए टू जेड, तो हमने बताया था आपको जो स्पेशल सिंबल है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं ओनली आइडेंटिफायर में, अंडरस्कोर केवल यूज होगा, मैंने बताया उसको पढ़ना ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा पूरे रूल्स, मतलब केवल स्पेशल सिंबल में आइडेंटिफायर में केवल हम अंडरस्कोर ही केवल यूज करते हैं और कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। ये चीज क्या है, ये हाइफन है, क्या हाइफन, इसको हम यूज नहीं करेंगे, केवल एक ही यूज होता है, इसे बोलते हैं अंडरस्कोर।
इसलिए ये क्या वैलिड है, ये क्या वैलिड है और ये इनवैलिड है, इसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो आपने लिखा ए बी अंडरस्कोर ए बी, ये भी वैलिड है। ठीक है, आपने ऐसे लिखा तो ये भी वैलिड है। क्यों? अंडरस्कोर हमने बताया ऐसे ट्रीट एज लेटर की तरह ट्रीट करता है अंडरस्कोर, तो ये लेटर हुआ तो ये एक्सेप्ट है, मतलब ये सही है। तो मैं अगर ये चीजें हैं, देखो जैसे हमने लिखा है यहां पे डी एफ सी ऐसे लिखा, तो ये गलत है क्योंकि इसमें हाइफन यूज हुआ है, गलत है। अगर आपने लिखा 20 डी एफ तो ये भी गलत है, क्यों? नंबर से स्टार्ट कर दिया आपने, समझ में आई? अगर आपने लिखा यहाँ पे मान लो लिखा एट द रेट 123 तो ये भी गलत है, क्यों? ये इसमें से सिंबल है, केवल अंडर इससे सिंबल में केवल अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हैं हम लोग। सोचा ये कुछ है वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स हैं, वैलिड आइडेंटिफायर इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, तो हम इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होते हैं आइडेंटिफायर प्रोग्राम्स में, क्यों? क्योंकि हम लोग वैल्यू जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, जैसे हम दिया एज इक्वल टू 10 ऐसे लिखते हैं मैथ में, तो ये चीज ए है वहां पे केवल, लेकिन हम लोग कंप्यूटर साइंस में क्या बोलेंगे इसको, ये वेरिएबल है, तो ए है वो क्या है, वेरिएबल या आइडेंटिफायर। ठीक है, इसके कुछ डिक्लेयर करने के रूल्स होते हैं वो हमने आपको बताए, समझाया? तो ये क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ नॉर्मली हम लोग मैथ में बोलते हैं ए इक्वल 10, लेकिन हम कंप्यूटर साइंस में क्या बोलेंगे ए 10 असाइन इन ए, ये क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब यह है जो 10 है वो ए के अंदर असाइन है, बराबर नहीं है, असाइन है केवल। तो ये जो वेरिएबल है आइडेंटिफायर है, इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लोग आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। ठीक है, और अभी भी आपको कुछ डाउट आइडेंटिफायर में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे लेटर्स या वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे हमने आइडेंटिफायर में आपको अभी एग्जांपल समझाया, जैसे मैंने दिया ए 1 इक्वल टू 10, तो ये 10 है, जो 10 है उसको क्या बोलेंगे, लेटर्स बोलेंगे। तो बता रहा था यहाँ पे A1 is equal to 10, जो 10 है वो क्या वैल्यू है, क्या है वैल्यू, उसी को बोलेंगे लेटर्स। ये हम चीज में कैसे कैसे अलग अलग चीज होती है इसके अंदर वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो लेटर्स क्या होता है, ऑफ ए रिफर्स टू इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट। आपको पता है 10 है तो 10 चेंज होगा नहीं, 10 ही रहेगा वो, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, आर डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, या कॉन्स्टेंट वैल्यू कह लीजिए या फिक्स्ड वैल्यू होती है। पाइथन अलाउ सेवन काइंड्स ऑफ लिटरल्स, क्या पाइथन अलाउ सेवन काइंड्स ऑफ लिटरल्स होते हैं, कि फर्स्ट क्या होता है स्ट्रिंग लिटरल्स, सेकंड होता है न्यूमेरिक लिटरल्स, थर्ड होता है बूलियन लिटरल्स और स्पेशल लिटरल नन, क्या स्पेशल लिटरल क्या है नन वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट अब समझेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है। और स्ट्रिंग लिटरल्स इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाई कोर्स, क्या होगा कोर्स होगा, सिंगल कोर्स डबल कोर्स ट्रिपल कोर्स, मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये स्ट्रिंग है, या आप कैसे डिक्लेयर करेंगे ये स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे। सिंपल सा है, अगर आपने कुछ भी लिखा सिंगल कोर्ट में ए बी सी तो ये क्या स्ट्रिंग टाइप हो गया, अगर आपने डबल कोर्ट में लिखा ए बी सी डी तो तब भी स्ट्रिंग हो गया, अगर आपने ट्रिपल कोर्ट में भी लिखा ए बी सी डी ई एफ तो ये भी क्या होगी
स्ट्रिंग वैल्यू होगी, क्या होगी ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरह से लोग स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, समझा स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करना है, सिंगल कोट से, डबल कोट से और ट्रिपल कोट से, मोस्टली हम लोग ये यूज करते हैं सिंगल कोट और डबल कोट, ट्रिपल कोट हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, केवल सिंगल कोट और डबल कोट का यूज करते हैं इसमें, समझा ये चीज आपको। अब देखिए इसके अंदर कुछ नॉन जियोग्राफिक कैरेक्टर्स भी होते हैं स्ट्रिंग के अंदर, आर दोस कैरेक्टर्स दैट कैन नॉट बी टाइप्ड डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, दैट इज एग्जांपल देखिए जैसे बैक स्पेस, टैब एटसेट्रा एंड यूजिंग एस्केप सीक्वेंस, बैक स्लैश, सिंगल कोट, डबल कोट, स्लैश एंड न्यू लाइन के लिए होता है ये बैक स्लैश है, ये क्या बैक स्लैश, तो ये क्या है, ये एस्केप सीक्वेंस है, क्या है ये एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे मान लो न्यू लाइन के लिए हम क्या करेंगे, स्लैश लगाएंगे, ये देखिए स्लैश है, स्लैश लगाएंगे ऐसे करके, ठीक है, तो वो न्यू लाइन डिक्लेयर हो जाएगा, समझ में आया चीज। आगे देखिए स्ट्रिंग टाइप्स देखिए, देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट क्या होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और सेकंड होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। दो टाइप के स्ट्रिंग होते हैं सिंगल लाइन मल्टी लाइन, सिंगल लाइन में क्या होगा आप एक ही लाइन में इसको लिखेंगे, जैसे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये हो गया सिंगल लाइन स्ट्रिंग, या डबल कोट लगा सकते हैं आप, ये क्या हो गया सिंगल लाइन हो गया, ठीक है, मतलब कोई भी चीज हमें सिंगल लाइन में लिखी, समझ में आया जी। और मल्टी लाइन देखिए, अगर आप इसमें मल्टी लाइन करते हैं, जैसे हमने लिखा देखिए यहां पे डबल कोट लगाया और लिखा हेलो, और हमने एंटर प्रेस कर दिया, क्या लिखा वर्ल्ड, तो यहां पे क्या सो एरर कर दिया, यहां पे क्या एरर दिखाएगा, एरर दिखाएगा यहां पे कि आपने लाइन चेंज की है, ठीक है। अब मल्टी लाइन के लिए देखिए, अगर हम मल्टी लाइन लिखना है तो क्या लिखेंगे हेलो, फिर उसको क्या लिखाएंगे बैक्स, वो लगाएंगे ब्लैक बैक स्लैश, क्या होता है ये, ठीक है, बैक स्लैश लगाएंगे, आप एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद लिखेंगे वर्ल्ड, ऐसे हम मल्टी लाइन लिख सकते हैं, इस टाइप से लिखेंगे मल्टी लाइन, ठीक है। और इसमें सिंगल लाइन है, अगर इसमें आपने डबल लाइन लिखने की कोशिश की तो वहां एरर शो करेगा, ये गलत आएगा आपको, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना, दो टाइप की स्ट्रिंग होती है, वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। साइज ऑफ स्ट्रिंग देखिए, तो साइज ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो अंदर कैरेक्टर्स हैं उसका साइज वन होगा स्ट्रिंग में। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे वो डिक्लेयर होता है नंबर ऑफ स्ट्रिंग। अब जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे सिंपल से देखिए ए बी सी, इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, वन टू थ्री, तो इसका क्या होगा थ्री, क्या होगा यहाँ पे थ्री, साइज इज, इसका क्या होगा साइज इज थ्री। अगर आपने लिखा यहाँ पे ये क्या है एस के बैक स्लैश, क्या है ये बैक स्लैश, तो बैक स्लैश एक ही होता है, मतलब बैक स्लैश एक ही है, इसका साइज क्या होगा साइज इज वन। अब जैसे इसमें दिया है इसका साइज क्या होगा, अब देखिए स्लैश यानी ये न्यू लाइन वाला है स्लैश, तो ये एक ही चीज डिफाइन होगी वन और टू, तो साइज इज
टू साइज से क्या होगा सर, टू होगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं। अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इस साइड हम लोग साइज ऑफ स्ट्रिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है साइज ऑफ स्ट्रिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका न्यूमेरिक इंटीग्रल्स। न्यूमेरिक इंटीग्रल्स में फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक लिटल्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा इसमें, फर्स्ट होगा इंट। क्या होगा इंट। सेकंड क्या होगा फ्लॉट। थर्ड होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैसे तीन ही होते हैं, थ्री का भी नाम थ्री। ठीक है, मोस्टली ये तीनों होते हैं, एट फ्लॉट और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इंट में भी कितने पार्ट होते हैं, एक हो जाएगा डेसिमल, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल। ये तीन पार्ट होते हैं इंटीजर के, तो क्या हो रहा है इंटीजर हो सकते हो। ठीक है, तो ये इंटीजर है, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल। इस टॉपिक हम लोग कल आगे डिस्कस करेंगे।